नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे विजन आइस की टेस्ट सीरीज, जिसमें अब तक हमने 33 वीडियो देख चुके हैं और ये हमारा 34वां वीडियो है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में मित्र मेला संगठन है, तो वो एक्चुअल में मित्र मेला जो था वो क्या था? गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। 1905 में स्वदेशी आंदोलन में तिलक के नेतृत्व में युवाओं का एक संगठन था, या फिर असहयोग आंदोलन के दौरान कॉलेज के छात्रों के समर्थन के लिए 1921 में गांधी जी द्वारा स्थापित एक संगठन था, या फिर 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर कब्जे के लिए सूरसेन के नेतृत्व में बंगाली भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं द्वारा एक बनाया गया संगठन था। तो ये केवल एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। सिंपल सा है, लेकिन ऑप्शन आते हैं थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से इसे ध्यान में रखना है, मित्र मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करेवा हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? तो करेवा एक तरह से मिट्टी होती है, ये करेवा मिट्टी। तो ये हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी भाग में और पूर्वी भाग में, या फिर हिमाचल उत्तराखंड हिमालय में और कश्मीर हिमालय में। तो आपको पता होगा ये करेवा जो है कश्मीर हिमालय में पाया जाता है, यहीं पर केसर की कृषि होती है, करेवा भूमि मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके तत्वाधान में 20 वर्षों के बाद द कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का आयोजन हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, या विश्व बैंक, या फिर आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इनमें से जो आंसर है इसका, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में द कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का जो है आयोजन हुआ था। तो ये ध्यान में रखना, थोड़ा आ सकता है सर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संस्कृति से रिलेटिव है, इस शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम इसकी उत्पत्ति वाले गाँव के नाम पर है। ये एक तरह से विशेषताएं दी गई हैं आपकी। ये पहला स्टेटमेंट हो गया विशेषता का। दूसरा है, तरंगम इस नृत्य शैली की एक अनूठी विशेषता है, इसमें एक नर्तक संगीत की लय के अनुसार पीतल की थाली के किनारे पर नृत्य करता है। कभी कभी नर्तक सिर पर पानी के घड़े का संतुलन भी स्थापित करता है। तो ये जो दशाएं दी गई हैं, विशेषताएं दी गई हैं, ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य में किसका वर्णन करती है? इनमें से कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो इन विशेषताओं को पूरा करता है, यानी जो विशेषताएं पाई जाती हैं उस शास्त्रीय नृत्य में? कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम। तो इसका आंसर है कुचिपुड़ी। देखिए, कुचिपुड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ये शास्त्रीय कुचिपुड़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन से असम राज्य में स्थित हैं? तो असम में कौन कौन से हैं? नामेरी है, राजीव गांधी औरांग जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी है, लेकिन इटांकी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो ये दो राष्ट्रीय उद्यान जो है, नामेरी और राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। तो ये ध्यान में रखना थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर। हाल ही में सुर्खियों में रही, इम्पोर्टेंट है ये बहुत ही ज़्यादा, रतन वाटल समिति निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, आपको पता भी होगा, भारत में डिजिटल भुगतान की वृद्धि को तीव्र करने हेतु रणनीति की सिफारिश के लिए। तो इसे आप अच्छे से रट लें ढंग से, रतन वाटल समिति, भारत में डिजिटल भुगतान से संबंधित है ये, उसकी रणनीति क्या हो सिफारिश के लिए ये आई थी, इसे बढ़ावा कैसे दिया है डिजिटल भुगतान को, उससे जुड़े हुए इसने तथ्य दिए थे, रतन वाटल समिति। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई पहल स्वप्रभा की समुचित व्याख्या करता है? स्वप्रभा है क्या? तो डायरेक्ट देख लेते हैं आंसर। आंसर इसका ए है, यह विद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने हेतु एक डायरेक्ट टू होम टेलीविजन चैनल है। ये आपका स्वयं प्रभा जो है एक तरह से क्या है, D2H सर्विस है टेलीविजन की, जिसमें आपको विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी उच्च गुणवत्ता युक्त सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाया करेगी। तो ये अभी करंट में रहा था और आने वाले समय में हो सकता है ये चैनल आपका D2H पर आ जाएगा, तो इसे ध्यान में रखें थोड़ा सा। भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान
कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इसे कारगिल युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए भारतीय और पाकिस्तान दोनों सेनाओं के साथ सहयोग करना है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, रॉलेट सत्याग्रह का आयोजन करते समय महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से किन राजनीतिक नेटवर्क या संगठन का उपयोग किया गया रॉलेट सत्याग्रह के समय? होम रूल लीग का, सत्याग्रह सभा का, या फिर अभिनव भारत का? तो आपको पता होगा अभिनव भारत जो था एक तरह से क्रांतिकारी था, तो इसने रॉलेट सत्याग्रह में महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था इनका, और किया गया था होम रूल लीग का और आपका सत्याग्रह सभा का। तो एक और दो आंसर इसमें सही है। देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार IPR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, कॉपीराइट किसी आविष्कार के लिए दिया गया एक अनन्य अधिकार है। तो कॉपीराइट आपका आविष्कार के लिए नहीं मिलता है, ये ध्यान में रखना है। आपकी कोई भी सामग्री है लिखित रूप से या फिर ऑडियो फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, उसके लिए कॉपीराइट मिलता है, ना कि आविष्कार के लिए। तो ये गलत हो जाता है पहला ऑप्शन। तो पहले ऑप्शन से तो ये गलत हो गया और ये वाला ऑप्शन आपका हट गया। दूसरा है आपका ट्रेडमार्क, रचनाकारों के साहित्य और कलात्मक कार्यों पर उनके अधिकारों को दर्शाता है। तो आपको पता हो ट्रेडमार्क तो व्यापारिक जो भी चीज़ें हैं उन पर मिलता है, ना कि रचनाकार के साहित्य और कलात्मक कार्यों के लिए। इनके लिए तो कॉपीराइट होता है साहित्य और कलात्मक के लिए, तो ये भी दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है, तो ये भी हट जाता है अपने आप में। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, पेटेंट किसी उद्यम की सेवाओं और वस्तुओं का अन्य उद्यमों की सेवाओं और वस्तुओं से विभेद करने में सक्षम संकेतक है। तो विभेद करने के लिए नहीं दिया जाता, ये पर्टिकुलर अपने आविष्कार के लिए दिया जाता है। पेटेंट जो है आविष्कार कोई भी हो नया, उससे उसके लिए दिया जाता है। तो ये ऑप्शन सारे ही गलत हैं इनमें से, और बाकी का थोड़ा सा मैंने बता ही दिया कि कॉपीराइट आपका लिखित सामग्री या ऑडियो वीडियो फॉर्मेट के लिए मिलता है, ट्रेडमार्क व्यापारिक कोई भी चीज़ हो उनके लिए मिलता है, पेटेंट आपका आविष्कार के लिए मिलता है कोई भी नया।